हेलो एवरीवन, टुडे इज़ 31 सितंबर और आज मैं फर्स्ट टाइम ऐसे हो रहा है कि इवनिंग को व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। यूजुअली मेरा व्लॉग सुबह ही शुरू हो जाता है और दिन का जहाँ पर भी जा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट करते हैं। बट आज मैं इवनिंग को क्यों शुरू कर रहा हूँ, बिकॉज मैं हूँ बेंगलोर में एंड निकिता है पुणे में। निकिता इज़ कमिंग टू बेंगलोर और उसका फ़्लाइट 12:30 को लैंड होने वाला है। तो अभी मैं यहाँ से, मैं हूँ मैजेस्टिक में, यहाँ से एयरपोर्ट केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट ऑलमोस्ट 30-35 किलोमीटर्स है। सो मैं यहाँ से जाने वाला हूँ और वहाँ से हम लोग साथ में आएंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हो मैं कहाँ पे रुका हूँ। आई एम स्टेइंग एट गोस्ट ऑफ बेंगलुरु जो कि मैजेस्टिक में है। पीछे आप देख सकते हो क्यूट रूम। मैं क्यूट इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज डॉर्मेट्री एंड रूम में बहुत डिफरेंस है। आपको अलग ही फील आता है। मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या है इस छोटी सी रूम में। ये देखो, ये रूम है। मेरे कपड़े इधर उधर पड़े हुए हैं बट आई होप कि आपको यहाँ से अंदाज़ा आ रहा होगा। इस साइड कबर्ड भी है एंड वॉशरूम लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ इस साइड में। और दिस इज़ दी मेन डोर। तो जैसे कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट यहाँ से 32-35 किलोमीटर्स दूर है। तो अभी हम लोग करेंगे डिनर। मेरा एक फ्रेंड है, मैं दिखाता हूँ टॉप, वो थर्ड फ्लोर पे अभी मूवी देख रहा है। वो फ्रेंड कैसे बना, बिकॉज मैं कल वहीं पे बैठ के मूवी देख रहा था। मैंने अपना व्लॉग लगाया था और एम्पी थिएटर जो है वहाँ पे अंधेरा होता है। सो वो व्लॉग देख रहा था और वो उसने कहा कि यार यही व्लॉग देख के मैं इधर आया हूँ। एंड फिर मैंने बोला कि लाइट ऑन की, तो उसको रियलाइज़ हुआ कि वो बंदा मैं ही हूँ। सो वैसे हम लोग फ्रेंड्स बने। मैं मिलाता हूँ उससे भी। वैसे एक एडवांटेज है गोस्ट ऑफ में रहने का कि आई एम गेटिंग सब्सक्राइबर्स एवरी डे और दोस्त भी बन रहे हैं। ये है कॉमन एरिया, देख सकते हो कितना मस्त है। एंड वो भाई साहब वहाँ पे बैठे हैं। देवाशीष नहीं, वीडियो कॉल है। हाँ सॉरी, ब्लॉग कर रहा हूँ। चलो चलते खाने के लिए। सो ये है गोस्टॉप्स का कॉमन एरिया। आप कहीं पर भी जाते हो तो मेन दो इश्यूज हो सकते हैं, वो है कि रहने का और खाने का। रहने का तो आपने देख लिया कैसा है, और खाने का भी फॉर्चुनेटली मैजेस्टिक के पास में बहुत शानदार जगह है। मैं वो आज दिखाता हूँ कि हम लोग रोज़ कहाँ पे खाना थाली खाते हैं। वहाँ पे नॉर्थ इंडियन थाली भी मिल जाती है। सो चलिए चलते हैं। और बहुत पास है, मतलब लेस देन 100 मीटर्स पे वो रेस्टोरेंट है। हाँ ये देखो, ये है वृंदावन ग्रैंड। और यहाँ पर ये ऐसा सैम्पल प्लेट्स भी रखा हुआ होता है, जिसको चाहिए जो चाहिए वो देख के लोग ले सकते हैं। सो दिस इज़ दी नॉर्थ इंडियन थाली, जिसमें आती है 2 रोटियाँ। मैं यूजुअली चपाती लेता हूँ बट आज मैं रोटी ले रहा हूँ। पालक पनीर, दाल, ये है पुलाव एंड गुलाब जाम। वैसे इसमें कर्ड राइस एंड सूप आता है जो कि मैं नहीं खाता हूँ, इसलिए मैं दाल एक्स्ट्रा एंड पुलाव ले लेता हूँ। बट द टेस्ट इज़ रियली गुड। खाना तो खा के हो गया मस्त, अभी कुल्फी खा रहे हैं और यहाँ से जाएंगे मैजेस्टिक। मैजेस्टिक में इंक्वायरी करेंगे कल के प्लान की, मैसूर जाने के लिए बसेस का टाइमिंग क्या है। बहुत सारे बसेस हैं यहाँ से। बस का सीन ऐसा है कि बस तो है और 1 घंटे के बाद बस होती है। तो ट्रेन का भी टिकट अवेलेबल है। अब समझ नहीं आ रहा है कि जाएंगे कैसे, बस से जाना है कि ट्रेन से जाना है। बट इंक्वायरी कर लेते हैं कि रिजर्वेशन अवेलेबल है क्या बस का भी। ये है एडवांस रिजर्वेशन काउंटर। ऐसा बस होना चाहिए। सब फॉर्म होता है वो भर के दिया है मैंने। लेट्स सी। 6248। अच्छा ठीक है। ऐसा ही कर रहा हूँ। हाँ बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था लैंग्वेज का। अंकल ने बहुत हेल्प की। ही बेसिकली हेल्प मी टू ट्रांसलेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। टाइम क्या है, बस नंबर क्या है। मुझे कोल्हापुर के भी एक भाई साहब यहाँ पर मिल गए। सो थैंक यू वेरी मच। तो ये वो अंकल थे जिन्होंने बहुत मदद की। ये है अपने टिकट्स और जाने का भी आने का भी दोनों हो गए, अभी कुछ टेंशन नहीं। तो ये बस का तो हो गया और एयरपोर्ट के लिए जो बस से जाना है वो सामने ही खड़ा है। तो ये बस मतलब हर 15 मिनट को है और यहाँ से 1 घंटा 10 मिनट लगता है। तो अभी बज रहे हैं 9 बजे अगर निकलेंगे तो 10, सवा 10 बजे पहुँचेंगे। मतलब बहुत जल्दी हो जाएगा बिकॉज़ 10, 11, 12, 1 निकिता का फ़्लाइट 1 बजे आने वाला है। तो मैं अभी वापस आ गया हूँ गोस्टॉप्स बिकॉज़ निकिता का फ़्लाइट 1:30 बजे लैंड होगा और अभी मैं 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा। अगर 9:30 बजे भी निकलता हूँ 10:30 बजे, 3 घंटे वहाँ वेट करने से अच्छा है कि मैं यहाँ से 11, साढ़े 11 को निकलूँ तो 12:30 तक पहुँच जाऊँगा। तो 1 घंटा कैसे भी कट जाएगा। और हम आ तो गए और बारिश स्टार्ट हो गया। अच्छा हुआ कि वहाँ पर नहीं रुके, नहीं तो भीग जाते। एक तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। अभी बारिश फॉर्चुनेटली रुक गई है, रुक नहीं गई है, थोड़ी सी हो रही है। बट मैं जा रहा हूँ मैजेस्टिक स्टेशन जहाँ से एयरपोर्ट के लिए मुझे बस मिलेगा और निकिता भी वेट कर रही है बोर्डिंग स्टार्ट होने का। सो मुझे लग रहा है 12:30 तक पहुँच जाऊँगा और उसको 1, सवा 1 बज जाएंगे। चलिए चलते हैं। पहुँच गए भाई बेंगलोर एयरपोर्ट। 12:30 बज रहे हैं, 1 घंटा लगेगा निकिता को आने का। अभी 12:35 हो रहा है, निकिता को 1 घंटा तो आराम से लग जाएगा। अब जगह देखते हैं बैठने के लिए, नहीं सोने के लिए। जैसे 1 घंटा तो मैं नहीं बैठ सकता। इतना नींद आ रहा है कि पता नहीं। ये इधर आ गया लैंडेड। वेलकम टू बेंगलोर। हाँ सो अभी टाइम हो रहा है 3:25। पहुँच गए। ज़बरदस्त नींद लगी है। अभी कल सुबह 10 बजे एक जगह पहुँचना है तो 9 बजे घर से निकलना पड़ेगा, 8 बजे उठना पड़ेगा। तो कैलकुलेट कर रहा हूँ नींद, तो कैलकुलेट कर लो कि नींद कितनी होगी। सो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। आप जाए सोने, बहुत तक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।